सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। आप लोगों को एक बार फिर से बता दें कि 15 अगस्त को जो हमारी सीरीज चलेगी उसमें जो है आप लोग जरूर हिस्सा लें और वही प्रश्न पूछे जाएंगे जो 1 तारीख से पढ़ाया गया है। तो दोस्तों, पिछली क्लास देखिए और अपनी तैयारी मजबूत करिए और उसके बाद कंपटीशन में हिस्सा लीजिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। अगर इसके पहले आप हमारा भाग 7 नहीं देखे हैं तो भाग 7 जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग एक सीरीज से चल रहे हैं, एक क्रम से चल रहे हैं और लगातार जो है आपकी भारत की जियोग्राफी ख़त्म हो चुकी है, अब हम लोग विश्व की जियोग्राफी पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा होगा, क्या कह रहा है देखिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है सामान्यतः पूरे ग्रह पर लगभग समान रात और दिन को क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि समान रात और समान दिन जो होता है उसे क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, एरियल ग्रहण या फिर विषुव। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इसका जवाब दीजिए। मैं आपको बता दूं कि 20 और 21 मार्च, जी हाँ दोस्तों, 20 और 21 मार्च को आपका, इसे बसंत विषुव के नाम से जानते हैं। किसके? बसंत विषुव के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, 20 और 21 मार्च को। वहीं अगर हम 22 और 23 सितंबर की बात करें दोस्तों, 22 और 23 सितंबर की बात करें दोस्तों, 22 और 23 सितंबर की बात करें तो 22 और 23 सितंबर को दोस्तों इसको शरद विषुव कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस समय जो है गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, जी हाँ दोस्तों, चूँकि जानते हैं कि भाई हमारी जो पृथ्वी है यही है हमारी पृथ्वी और इसका ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो दोस्तों जो आपका 20 और 21 मार्च हो गया या फिर 22 और 23 सितंबर हो गया, इस दोनों दिन जो है दिन और रात बराबर होते हैं उत्तरी गोलार्ध में। जी हाँ दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में इन दोनों दिनों में, इन दोनों तारीखों को दिन और रात बराबर होते हैं दोस्तों। वहीं अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें अर्थात यहाँ की बात करें दोस्तों, तो 22 और 23 सितंबर, 22 और 23 सितंबर को जो है सूर्य जो होता है वो दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करता है और दोनों तिथियों को, मतलब जो मैंने दोनों तिथि बताई 22 और 23 सितंबर और 20 और 21 मार्च, तो दोस्तों 20 और 21 मार्च तो आपका उत्तरी गोलार्ध में और 22 और 23 सितंबर जो है आपका दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया क्या इसे विषुव कहते हैं। जी हाँ, 26 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चर्चा करें दोस्तों, तो सामान्यतः पूरे ग्रह पर लगभग समान और समान दिन और रात को क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं, इसको हमने बता दिया। अगर हम अगले प्रश्न पर चर्चा करें दोस्तों, तो शब्द विषुव किसे संदर्भित करता है अर्थात विषुव शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो अभी हमने बताया कि दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं। जी हाँ, अगले प्रश्न पर अगर चलें तो एक विषुव या इक्विनॉक्स एक वर्ष में कितनी बार आता है, तो दोस्तों हमने कहा कि एक बार आपका उत्तरी गोलार्ध में और एक बार आपका दक्षिणी गोलार्ध में, अर्थात 21 या 22 मार्च को जो होता है वो उत्तरी गोलार्ध में, और वहीं अगर हम सितंबर की बात करें तो 22 और 23 सितंबर को आपका दक्षिणी गोलार्ध में आता है, तो अर्थात एक साल में दो बार आता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न पर अगर हम चलें तो कह रहा है निम्नलिखित शहरों में से कौन सा भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, भूमध्य रेखा की लाइन पर कौन सा देश पड़ता है, तो पोंटियानक, कैरो, पोर्ट ब्लेयर, एडिस अबाबा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इसका सही जवाब दीजिए और बताइए कि भूमध्य रेखा पर कौन सा देश पड़ता है। तो दोस्तों भूमध्य रेखीय शहर को जो है इक्वेटर सिटी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या कहते हैं, इक्वेटर सिटी कहते हैं दोस्तों। जो भूमध्य रेखा पर देश पड़ते हैं उसे इक्वेटर सिटी कहते हैं, और अगर हम इसमें सही ऑप्शन की बात करें तो जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पोंटियानक। जी हाँ दोस्तों, पोंटियानक जो है ये इंडोनेशिया की, मतलब इंडोनेशिया में एक प्रांत है जिसका नाम है दोस्तों कालीमंतन। जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम है
काली मंथन। तो दोस्तों काली मंथन की राजधानी है ये पोंटियानक जो है ये काली मंथन की राजधानी है। वहीं अगर हम अगले पॉइंट पर चर्चा करें तो मिल्की वे क्या है। दोस्तों मिल्की वे अगर बात की जाए तो देखिए मिल्की वे जो होता है ये आकाश गंगा है। जी हाँ दोस्तों मिल्की वे जो है ये आकाश गंगा है। और अगर हम बात करें कि जो हमारा सौरमंडल स्थित है ना दोस्तों, जो हमारा सौरमंडल स्थित है उसे ही हम मंदाकिनी या आकाश गंगा या मिल्की वे या दुग्ध मेखला कहते हैं। जी हाँ दोस्तों। और अगर हमारे ब्रह्मांड की बात की जाए तो हमारे ब्रह्मांड में दोस्तों हमारे ब्रह्मांड में लगभग 1000 अरब गैलेक्सी हैं। जी हाँ दोस्तों हमारे ब्रह्मांड में 1000 अरब गैलेक्सी हैं। तो दोस्तों जो मिल्की वे है वो क्या है, तो वो आकाश गंगा है। अगले प्रश्न पर अगर चर्चा करें तो निम्नलिखित में से कौन सी आकाश गंगाओं मिल्की वे के सबसे करीब है। जी हाँ दोस्तों कौन सी आकाश गंगा ऐसी है जो मिल्की वे के एकदम करीब है। पहला व्हर्लपूल गैलेक्सी, दूसरा सिगार गैलेक्सी, तीसरा एंड्रोमेडा गैलेक्सी और चौथा टैडपोल गैलेक्सी। जी हाँ दोस्तों तो इसका अगर हम सही जवाब बात करें तो दोस्तों जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है ये हमारी गैलेक्सी से 2.5 मिलियन जी हाँ दोस्तों 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। हमारी गैलेक्सी से 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। और वहीं अगर हम बात करें आगे तो इसका जो विस्तार है वो 2,20,000 प्रकाश वर्ष में है। जी हाँ दोस्तों अगर हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी की बात करें तो इसका जो विस्तार है वो 2,20,000 प्रकाश वर्ष की दूरी में है। जी हाँ दोस्तों और इसमें अगर हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी की बात करें तो यहाँ पर 1 ट्रिलियन तारा है। जी हाँ दोस्तों 1 ट्रिलियन तारे हैं यहाँ पर। दोस्तों ट्रिलियन का मतलब मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन ये सब है ना, तो वही 1 ट्रिलियन तारा यहाँ पे है। अगले प्रश्न पर अगर हम चर्चा करें तो एंड्रोमेडा क्या है। जी हाँ दोस्तों एंड्रोमेडा क्या है, मिल्की वे की पड़ोसी आकाश गंगा है, ग्रह है, ब्लैक होल का नाम है या फिर धूमकेतु है। दोस्तों अभी अभी हमने बताया कि एंड्रोमेडा जो है वो मिल्की वे की पड़ोसी आकाश गंगा है। जी हाँ दोस्तों मिल्की वे की पड़ोसी आकाश गंगा है। तो 32 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम वही अगले प्रश्न पर चर्चा करें दोस्तों तो आकाश गंगाओं के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है। जी हाँ दोस्तों आकाश गंगाओं के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है। क्या चीज, रेगुलर्स, स्पाइरल्स, एलिप्टिकल्स या फिर इररेगुलर्स। दोस्तों क्या कह रहा है कि आकाश गंगाओं की बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है। दोस्तों आकाश गंगा की सबसे पहले आप ये जानिए कि बुनियादी प्रकार किसे कहते हैं। तो आकाश गंगा को अगर उनके दृश्य आकृति विज्ञान के अनुसार अगर बात की जाए तो ये अंडाकार, सर्पिलाकार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो दोस्तों चूंकि देखिए आकाश गंगाओं को उनके दृश्य आकृति विज्ञान के अनुसार अंडाकार या सर्पिलाकार या अनियमित आकार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो इसीलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा रेगुलर्स। जी हाँ दोस्तों रेगुलर्स आकाश गंगाओं के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है। जी हाँ दोस्तों स्पाइरल्स मतलब सर्पिलाकार है, एलिप्टिकल्स ये भी आपका अंडाकार है और इरेगुलर्स यानी कि अनियमित। तो दोस्तों हमारी जो आकाश गंगा है वो अंडाकार, सर्पिलाकार और अनियमित रूप से वर्गीकृत की जाती है। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा रेगुलर्स। दोस्तों अगले प्रश्न पर अगर हम चर्चा करें तो देखिए आकाश गंगा या द मिल्की वे का आकार है। दोस्तों अभी अभी हमने बताया कि जो अपनी आकाश गंगा है उसका जो आकार है वो सर्पिलाकार है। जी हाँ दोस्तों उसका आकार जो है वो सर्पिलाकार है। 2005 में दोस्तों
2005 में टेलीस्कोप ने आकाशगंगा के आकार के बारे में बताया था दोस्तों। और दंड सज्जित सर्पिलाकार है दोस्तों, दंड सज्जित सर्पिलाकार है या बार्ड स्पेरियल है। जी हाँ दोस्तों, तो अगर हम चर्चा करें इसके सही जवाब की तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, जल्द ही आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो सही कर दी जाएगी। और मैं लगा हुआ हूँ क्योंकि देखिए कल भी आपकी जो है लाइव में सोचा था कि पढ़ा दूंगा, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है एक दो दिन से, इसी की वजह से नहीं चल पा रहा है। तो जल्द ही मैं बोर्ड पर आने की कोशिश करूँगा, सब सेटअप किया जा रहा है और शीघ्र ही हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न पर अगर हम चर्चा करें तो वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों अगर हम ऑप्शन की बात करें तो एटमॉस्फोलॉजी या मीटियोरोलॉजी या इकोलॉजी या मोटेलोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग इसका सही जवाब दीजिए और बताइए कि क्या होगा। अगर हम इकोलॉजी की बात करें दोस्तों, तो इकोलॉजी का मतलब होता है पर्यावरण का अध्ययन, पर्यावरण या जीवों का अध्ययन जो होता है वो इकोलॉजी के अंतर्गत आता है। जी हाँ दोस्तों, और वायुमंडल के अध्ययन को जो है वो मीटियोरोलॉजी कहते हैं, मीटियोरोलॉजी कहते हैं दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगर हम अगले प्रश्न पर चर्चा करें तो हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है। जी हाँ दोस्तों, हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है, 78%, 72%, 28% और 21%। दोस्तों ये बहुत आसान प्रश्न है और ये आप सबको आता होगा, आप लोग इसको कमेंट करिए और बताइए कि क्या होगा, तथा ऑफलाइन कमेंट भी करिएगा। दोस्तों इसका ऑफलाइन कमेंट भी करिएगा। कल का जो वीडियो था मैंने देखा कि ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं किए, तो दोस्तों याद रखिएगा कि कंटिन्यूटी बहुत मायने रखती है। अगर जो है 30 प्रश्न मैं दूंगा और 30 प्रश्न में अगर 22 नंबर से कम रहेगा तो वो विजेता नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि अगर आप 22 नंबर से कम पाते हैं या फिर मिनिमम 20 नंबर, अगर आप 20 नंबर, दो नंबर मैंने और कम कर दिया, कि अगर आप 30 नंबर में से 20 नंबर में से कम पाएंगे तो वो टेस्ट खारिज कर दिया जाएगा, अर्थात टेस्ट आपका फिर से होगा। और अगर आप टारगेट प्राप्त कर लेंगे, अर्थात 30 में से 20 क्वेश्चन हल कर लेंगे, तभी आपको अनाउंस किया जाएगा, आपका नाम अनाउंस किया जाएगा, आपको बताया जाएगा, आपको प्राइस दिया जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना जरूरी है, आप देखिए, पढ़िए और याद करिए दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं, इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा। कह रहा है उत्तरी आकाशीय हेमोस्फीयर के कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर के कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है। ऊर्सा मेजर, ऊर्सा माइनर, पेगासस, साइग्नस। जी हाँ दोस्तों, इस चार में से सही जवाब क्या होगा आप लोग इसका कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इसका अगर हम सही जवाब की चर्चा करें दोस्तों, तो देखिए जो आपका उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर है, उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर है उसे जो है उसे ऊर्सा माइनर, रुक जाइएगा, ऊर्सा मेजर कहते हैं दोस्तों, उसे ऊर्सा मेजर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और अगर हम नक्षत्र की बात करें तो नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है, जो आपका हेमिस्फीयर का ऊर्जा मेसर नक्षत्र है, ऊर्जा मेसर नक्षत्र है उसे क्या कहते हैं, उसे ग्रेट बियर कहते हैं दोस्तों। और वहीं अगर हम ऊर्सा माइनर की बात करें तो ऊर्सा माइनर नक्षत्र को लिटिल बियर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, लिटिल बियर कहते हैं दोस्तों। जी हाँ, उसे कहते हैं लिटिल बियर। जी हाँ दोस्तों, लिटिल बियर कहते हैं जो आपका ऊर्सा माइनर है। अगले प्रश्न पर अगर चर्चा करें तो हेलियोसेंट्रिज्म, जी हाँ दोस्तों, हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को उसके घर में नज़रबंद कर दिया गया था। जी हाँ दोस्तों,
अगर हम बात करें तो हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को उसके घर में नज़रबंद कर दिया गया था? निकोलस कापरनिकस, गैलीलियो गैलीली, योहानेर केपलर या फिर फ्रेडरिक बेसल? जी हाँ दोस्तों, आप लोग इसका कमेंट करिए, बताइए कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। दोस्तों मैं दो क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ, एक क्वेश्चन आपको दे चुका हूँ कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट है, और दूसरा होमवर्क मैं आपको ये दे रहा हूँ कि हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने का कारण किस खगोल शास्त्री को उसके घर में नज़रबंद किया गया था। तो दोस्तों ये दो ऑप्शन, दो क्वेश्चन आपका होमवर्क है, और इसका जवाब आप लोग ज़रूर दीजिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। दोस्तों अगर हम अगले प्रश्न पर चर्चा करें, प्यारे दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। दोस्तों कह रहा है कि सर्वप्रथम पूर्वानुमानित सुपरनोवा विस्फोट की तस्वीर लेने वाला हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन किस देश से संबंध रखता है? जी हाँ दोस्तों, एक दूरबीन थी जो कि नाम था हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन, जो कि सुपरनोवा विस्फोट की तस्वीर लेने वाला हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन है। जी हाँ दोस्तों, तो अब क्या कह रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, रूस, इसमें सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो दोस्तों हब्बल स्पेस टेलीस्कोप या हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन, जी हाँ दोस्तों हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन जो है आपकी, ये अमेरिका के वैज्ञानिक जो कि नासा थे, कौन, नासा के वैज्ञानिकों ने इसका परीक्षण किया था दोस्तों, और 24 अप्रैल 1990 में किया था। जी हाँ दोस्तों, 24 अप्रैल 1990 में इसका परीक्षण किया गया था, और ये टेलीस्कोप जो है 13.3 मीटर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, और यह जो है 13.3 मीटर लंबी है। जी हाँ दोस्तों, 13.3 मीटर लंबी है ये दूरबीन जो है, ये कितनी लंबी है, तो 13.3 मीटर लंबी है। अगले प्रश्न पर दोस्तों चर्चा करें तो हबल का नियम किससे संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, पहला ऊष्मा, दूसरा ध्वनि, तीसरा हवा के दबाव और चौथा खगोल की। जी हाँ दोस्तों, हबल का नियम जो है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों हबल का नियम अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा खगोल की। दोस्तों हबल का नियम जो है वो खगोल की से संबंधित है, और गैलेक्सियों की हमसे दूर भागने की गति को, मतलब ये क्या बताया, एक मिनट रुक जाइएगा, हब्बल का नियम क्या बताया कि गैलेक्सियों की हमसे दूर भागने की गति, जी हाँ दोस्तों क्या बता रहा हूँ सुनिएगा, गैलेक्सियों की हमसे दूर भागने की जो गति होती है, दूर भागने की गति जो होती है वो दूरी के समानुपाती होती है। जी हाँ दोस्तों, जो दूर भागने की गति होती है वो दूरी के समानुपाती होती है, यही था हबल का नियम। अगले प्रश्न पर दोस्तों चर्चा करें तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलकीय पिंड है? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है? पहला तारा, दूसरा चांद, तीसरा कोमेट और अगला चौथा जो है एस्टेरॉयड। जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या हुआ। दोस्तों अगर हम धूमकेतु या पुच्छल तारे की बात करें, जी हाँ दोस्तों धूमकेतु या पुच्छल तारे की बात करें तो ये चट्टान या धूल में जमी हुई मिट्टी या आपकी जमी हुई जो गैसें होती हैं इसके बने होते हैं, और दोस्तों पुच्छल तारों का ही एक नाम है कोमेट। तो दोस्तों सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर अगर चर्चा करें दोस्तों तो कह रहा है ग्रह की परिक्रमा पथ का आकार कैसा है? जी हाँ दोस्तों, ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा है? पहला गोलाकार,
दूसरा सीधी रेखा में, तीसरा अंडाकार, चौथा फैला हुआ वृत्त। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट करिए और बताइए। दोस्तों अगर हम ग्रहों की परिक्रमा के पथ का आकार बताएं तो इसका जो आकार होता है वो फैले हुए वृत्त के आकार का होता है। जी हाँ दोस्तों, उसका जो आकार होता है वो किस तरह होता है, फैले हुए वृत्त के आकार का होता है या फिर कह दीजिए कि दीर्घ वृत्ताकार होता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमको पता है कि ग्रह जो होते हैं वो ऐसे ही चक्कर लगाते हैं, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो अगले प्रश्न पर अगर हम चर्चा करें दोस्तों, तो कह रहा है ब्लू मून क्या है दोस्तों। जी हाँ, ब्लू मून क्या है दोस्तों, तो देखिए ब्लू मून का मतलब है कि जब एक माह में, एक माह मतलब 30 दिन या 31 दिन या जो भी दिन हो, मतलब आप ये समझिए कि एक माह में, जी हाँ दोस्तों, अगर एक माह में दो बार पूरा चांद निकल जाए या दो बार पूर्णिमा आ जाए, जी हाँ दोस्तों, दो बार पूर्णिमा आ जाए या फिर दो बार पूरा चांद निकल जाए तो उसे ब्लू मून कहते हैं। तो देखिए महीने में आने वाला पहला पूरा चांद या महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद। और दोस्तों इसमें एक चंद्रमा जो होता है वो 29.5 दिन का होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें कि एक सौर वर्ष में, जी हाँ, एक सौर वर्ष में 12 चंद्रमा से कुछ अधिक दिन होने के कारण यह घटना घटती है, तो और एक चंद्रमा का दिन होता है 29.5 का, ठीक, तो एक चंद्रमा 29.5 दिन का होता है। अगर हम दोस्तों अगले प्रश्न पर चर्चा करें तो पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब, मतलब पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है, तो दोस्तों आपको अगर मैं बता दूं तो सूर्य, देखिए सूर्य, और सूर्य में क्या निकला अंत में, यह निकला, ठीक, और चंद्रमा, जी हाँ दोस्तों चंद्रमा, तो इसमें क्या निकला, मा निकला, मतलब कि ये आपका पूर्णिमा को होता है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा यानी कि चंद्र ग्रहण जो होगा वो पूर्णिमा को होगा, सूर्य यानी कि यह निकला यानी कि अमावस्या, जो सूर्य ग्रहण होगा वो अमावस्या को होगा, जो चंद्र ग्रहण होगा वो पूर्णिमा को होगा, एक चीज आप ये याद रखिए दोस्तों। तो कह रहा है पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होगा, तो दोस्तों अभी अभी हमने बताया कि सूर्य ग्रहण जो होगा वो अमावस्या के दिन होगा, ठीक। तो दोस्तों देखिए, जब सूर्य, सूर्य जो हुआ आपका वो चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाएं, और दोस्तों इसमें होता क्या है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब आपका चंद्रमा आ जाता है, जी हाँ दोस्तों, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब आपका चंद्रमा आ जाता है तभी आपका पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी वालों को ये सूर्य नहीं दिखाई देगा। तो वही चीज़ होता है कि चंद्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करे, चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर हो, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में ना हो। तो दोस्तों क्या बताया हमने कि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही रेखा में होने चाहिए, जिसमें चंद्रमा जो है बीच में होना चाहिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तभी आपका सूर्य ग्रहण होता है। अगर हम दोस्तों अगले प्रश्न पर चर्चा करें तो चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है, जी हाँ दोस्तों चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है, सितारों पर, ज्वालामुखी पर, प्रकाश की गति पर, या फिर वनस्पति जीवन पर, जी हाँ दोस्तों आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि क्या होगा। दोस्तों अगर मैं इसका सही जवाब बताऊं तो चंद्रशेखर सीमा जो होती है वो सितारों पर लागू होती है, जी हाँ दोस्तों सितारों पर लागू होती है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जी हाँ दोस्तों सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने 1930 ईस्वी में इसकी खोज की थी चंद्रशेखर सीमा की, जी हाँ दोस्तों 1930 ईस्वी में चंद्रशेखर सीमा की खोज की थी दोस्तों, और इन्होंने ही ब्लैक होल की खोज भी की थी, जी हाँ दोस्तों इन्होंने ही ब्लैक होल की खोज भी की थी। चलिए आगे चर्चा करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर,
कह रहा है निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपर्युक्त होगा। जी हाँ दोस्तों, जो टूटा हुआ तारा होता है वो क्या होता है? तारा, ग्रह, ग्रहिका या फिर अंश एवं अवशेष। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टूटा हुआ तारा जो होता है वो एक अंश और अवशेष होता है। जी हाँ दोस्तों, जो टूटा हुआ तारा होता है वो अंश एवं अवशेष होता है दोस्तों। क्योंकि होता क्या है कि जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश होते हैं, जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण ये जलने लगते हैं और हमको जो है गिरता हुआ प्रतीत होता है। जी हाँ दोस्तों, हमको जो है टूटता हुआ कब प्रतीत होगा? जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। तो सही जवाब जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों अगर हम अगले प्रश्न पर चर्चा करें, दोस्तों अगर आपको लग रहा हो कि हाँ क्वेश्चन अच्छे हैं तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक शेयर जरूर कीजिएगा अपने सर के लिए, अपने जो भी मानते हों उनको, बड़े भाई, छोटे भाई, सर, जो भी मानते हों, एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। अगले प्रश्न पर अगर चलें तो क्षुद्र ग्रह बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह मौजूद है? मेक, प्लूटो, सरेस, एरिस। जी हाँ दोस्तों, क्षुद्र ग्रह बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह मौजूद है? तो दोस्तों चूंकि हमको पता है कि बौना ग्रह जो है सरेस को कहते हैं, सरेस जो है एक बौना ग्रह है। जी हाँ दोस्तों, सरेस जो है क्षुद्र ग्रह बेल्ट में बौना ग्रह है। और वहीं अगर हम क्षुद्र ग्रह बेल्ट की बात करें तो मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच में पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह की बेल्ट पाई जाती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि क्षुद्र ग्रह के बेल्ट में कौन बौना ग्रह है तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सरेस। जी हाँ दोस्तों, और वहीं अगर हम सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह की बात करें, दोस्तों अगर हम सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह की बात करें तो वो हो जाएगा आपका वेस्टा। जी हाँ दोस्तों, वो हो जाएगा आपका वेस्टा और एक हो जाएगा पालास। जी हाँ दोस्तों, एक हो जाएगा वेस्टा और एक हो जाएगा पालास। ये दो आपके जो है बड़े क्षुद्र ग्रह हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़े क्षुद्र ग्रह हैं। वहीं अगर हम अगले प्रश्न की चर्चा करें दोस्तों, और आज का आखिरी प्रश्न कि हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, तो हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नेब्यूला। जी हाँ दोस्तों, उसे नेब्यूला कहते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। दोस्तों अगर हम बता दें आपको फिर से कि सत्यम सर की जो क्लास आपकी 10 अगस्त से स्टार्ट होने वाली थी वो आपकी 16 अगस्त से चलेगी, पॉलिटी की। जी हाँ दोस्तों, सत्यम सर की पॉलिटी की क्लास 16 अगस्त से चलेगी। और वहीं अगर हम बात करें कि 15 अगस्त को आपका जो पढ़ो और जीतो प्रतियोगिता है उसमें हिस्सा जरूर लें, पूरी तैयारी के साथ हिस्सा लें और ये इतना तैयारी करें कि आपको 22 से ज़्यादा नंबर मिले। जी हाँ दोस्तों, 22 से ज़्यादा नंबर मिले। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए दोस्तों, और याद रखिएगा कि पढ़ना नहीं रुकना चाहिए दोस्तों। तो वहीं अगर हम आपको बताएं तो लगातार आपकी क्लासेस चलाई जाएंगी, बस एक और दो दिन की प्रॉब्लम है दोस्तों, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।